नमस्कार मित्रों, YouTube चैनल बिजनेस मंत्रा पर आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम नए बिजनेस आइडियाज़, मोटिवेशन, करियर, मार्केटिंग, अर्न मनी आदि के बारे में जानकारी देते हैं। हम जिन बिजनेस के बारे में जानकारी देते हैं वह होते तो आम है, पर हम कुछ नए आइडियाज़ जोड़कर उसे पेश करते हैं। इसके साथ ही नए ज़माने के मार्केटिंग टिप्स भी देते हैं जो नए बिजनेस शुरू करने वालों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। यह वीडियो कम पैसे में गांव में शुरू करें बिजनेस की सातवीं कड़ी है। इस वीडियो में हम बताएंगे टमाटर के प्रोसेसिंग कर लाभ कमाने के बारे में। यदि आप टमाटर प्रोसेसिंग बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। टमाटर हर जगह उपलब्ध होने की वजह से इसके प्रोसेसिंग की इकाई कहीं भी स्थापित कर सकते हैं। खासकर उन क्षेत्रों में इसकी इकाई स्थापित करना अधिक फायदेमंद होगा जिन क्षेत्रों में टमाटर की अधिक पैदावार होती है। टमाटर प्रोसेसिंग के बिजनेस के कई जाने माने ब्रांड पहले से ही मार्केट में मौजूद है। इन सब के बावजूद टमाटर प्रोसेसिंग के बिजनेस में काफ़ी अवसर हैं। टमाटर का इस्तेमाल व्यंजन के स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा सलाद, सूप, चटनी, जूस, अचार, केचप, प्यूरी, सॉस के लिए टमाटर का उपयोग किया जाता है। टमाटर के सॉस और केचप का उपयोग विभिन्न प्रकार के स्नैक, रोल, कटलेट, समोसा, चॉप्स, चाउमीन, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज आदि फूड में काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। भारतीय व्यंजन के साथ साथ विदेशी फास्ट फूड को तैयार करने में लगने वाले खास उत्पाद में टमाटर महत्वपूर्ण सामग्री है। इसका इस्तेमाल फास्ट फूड के टेस्ट को बढ़ाने के लिए किया जाता है, जिसकी वजह से टमाटर प्रोसेसिंग प्रोडक्ट की विदेशों में काफ़ी डिमांड है। टमाटर प्रोसेसिंग इकाई स्थापित कर इसके प्रोडक्ट को विदेशों में भी निर्यात कर सकते हैं। टमाटर प्रोसेसिंग प्रोडक्ट की मार्केटिंग क्षमता काफ़ी अधिक है। भारत में केवल सॉस और केचप का मार्केट 1000 करोड़ के ऊपर चला गया है। यह सालाना 20% की दर से बढ़ रहा है। यह बिजनेस खासकर ग्रामीण क्षेत्र में शुरू करना अधिक लाभकारी होता है। टमाटर प्रोसेसिंग बिजनेस को ग्रामीण क्षेत्र में शुरू करने से लाभ होने के कई कारण हैं। सबसे पहला कारण, टमाटर की खरीदारी करने के लिए इधर उधर भाग दौड़ नहीं करना पड़ता। दूसरा, इससे ट्रांसपोर्ट पर होने वाला खर्च भी बच जाता है। तीसरा कारण है, शहरी इलाके में लेबर यानी मजदूर मिलने की दिक्कत होती है। गांव में महिलाएं भी इस काम में सहयोग दे सकती है। चौथा कारण, शहर में लगने वाले कई तरह के टैक्स से भी बच जाएंगे। टमाटर प्रोसेसिंग इकाई स्थापित करने के लिए कई तरह के मशीनों की आवश्यकता होगी, जिसमें टमाटर को साफ करने वाली मशीन, टमाटर को काटने वाली मशीन, उसे लुगदी बनाने वाली मशीन, स्टीम मशीन, वैक्यूम मशीन, मटेरियल स्टोर टैंक, पानी टैंक, पैकेजिंग आदि मशीनों की आवश्यकता होगी। यह खाद्य पदार्थ से जुड़ा बिजनेस है। इसे शुरू करने के लिए कई प्रकार के लाइसेंस लेने की आवश्यकता होती है। यह लाइसेंस भारत सरकार की संस्था FSSAI द्वारा जारी किया जाता है। इसके साथ उद्योग आधार पंजीयन, ROC रजिस्ट्रेशन, स्थानीय प्राधिकरण लाइसेंस के अलावा किसी एक बैंक में करंट अकाउंट की आवश्यकता होती है। इसके अलावा ISO, BIS प्रदूषण नियंत्रण संस्था द्वारा NOC लेने की भी आवश्यकता होती है। इस बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा नए बिजनेस करने वालों के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है। इसके अंतर्गत आप लोन ले सकते हैं, जिसमें सब्सिडी भी मिल जाएगी। इसके लिए टमाटर प्रोसेसिंग बिजनेस पर प्रोजेक्ट तैयार कर बैंक में अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही MSME की वेबसाइट पर भी
इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। लाइसेंस के लिए FSSAI की वेबसाइट पर जानकारी ले सकते हैं। टमाटर प्रोसेसिंग इकाई स्थापित करने के लिए लगने वाले मशीन उसकी कीमत इंडिया मार्ट की वेबसाइट पर देख सकते हैं। सभी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। मित्रों, वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक करें, शेयर करें। जो इस चैनल पर नया है, जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह सब्सक्राइब कर दे ताकि बिजनेस मंत्रा के वीडियो आसानी से उन्हें मिल सके। आज बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी अपने एक नए वीडियो में एक नए बिजनेस मंत्रा के साथ। गुड बाय, टेक केयर।